नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पर आपका सुस्वागत है। विद्वान साथियों, लगभग महीने भर से बहुत सारे आपके मैसेज आए हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं, लेकिन ड्यू टू बिजी शेड्यूल हम शायद इन दिनों में उनका आंसर इस मंच से आपको नहीं दे पाए हैं। अनेकों प्रश्न जो मिशन चला हुआ है उसके रिगार्डिंग आपके आते रहते हैं। हालांकि फाइट फॉर राइट रेगुलर मंच पे आप लगातार अपडेटेड हो, आपको हर अपडेट और हर प्रयास और मेहनत वहाँ पे जो की जा रही है उसके बारे में सभी मिशन साथी जो डायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए हैं उनको अवगत करवा दिया जाता है, वो अपडेटेड हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रीड 16 प्रकरण में पीड़ित तो हैं लेकिन तमाशबीन के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कि संघर्ष फाइट फॉर राइट रेगुलर मंच कर रहा है और किस्मत उनकी भी जाग जाए या साथ दे जाए। ऐसे सैकड़ों की संख्या है ऐसे विद्वान साथियों की, क्योंकि फाइट फॉर राइट के मंच पर लगभग 80-90 विद्वान साथी ही संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, बाकी सभी तमाशबीन हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं लेकिन एक बिजी शेड्यूल, क्योंकि एक किसान के घर में जन्म हुआ है तो इन दिनों किसानी का काम भी चल रहा है, उसमें भी यथासंभव हाथ बटाना पड़ता है। तो इसलिए जो रेगुलर साप्ताहिक या पाक्षिक तौर पे अपडेट कर दिया करते थे वो समय हमें नहीं मिल पाए। आज ज़रा सा समय मिला है तो जो भी आपके प्रश्न आए हैं उनके रिगार्डिंग कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दिया जाए। वंचित प्रकरण जो चल रहा है, क्योंकि बीच में बजट सेशन चल रहा था और हमारे प्रयासों का एक हिस्सा था कि इस दौरान जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत करवाया जाए और आपका प्रश्न जोर शोर के साथ विधानसभा में रखा जाए और उसका समाधान ये प्रदेश की बेरोजगार हितैषी सरकार निकाले। वो प्रयास किए गए हैं, उसमें आधी अधूरी सफलता भी मिली है। रिटर्न प्रश्न जो लगे हैं उनका जवाब अभी तक रिटर्न में आया नहीं है। मौखिक तौर पर आदरणीय विधायक जी कॉमरेड बलवान पुनिया जी ने आपके प्रश्न को रखा। इसके अलावा 3-4 और जनप्रतिनिधियों ने भी आपके प्रश्न को, आपकी पीड़ा को रखा और पत्र की मार्फत भी दर्जन भर जनप्रतिनिधियों ने आपकी पीड़ा को रखा सरकार के सामने। सार्थक तरीके से आपकी वो फाइल आपके प्रयासों से, आपके मिशन के प्रयासों से और अन्य जो भी सहयोगी उच्च स्तर पे या समानांतर स्तर पे जो सहयोग रहा है उसके परिणाम स्वरूप वो फाइल आगे बढ़ी है। क्योंकि शुरुआत से ही मिशन फाइट फॉर राइट के जो कार्यशैली रही है उससे आप अवगत हो कि 4 स्तर पे प्रयास किए जाते हैं। माननीय कोर्ट के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, अधिकारियों के स्तर पे और मीडिया के स्तर पे, चारों ही स्तर पे आपके प्रयास निरंतर जारी हैं और उसमें आप अभी तक सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो और बहुत ही क्रूशियल और अंतिम स्टेज जो निर्णायक स्टेज है वो अब आई हुई है। डिक्लेरेशन होनी बाकी है, उसमें 2 दिन लगें, 10 दिन लगें या आज डिक्लेयर हो या और ज़्यादा समय लगे, उसके लिए वी आर नॉट ऑथोराइज फॉर दैट। संबंधित ऑथोराइज लोग उसकी घोषणा करेंगे और वो परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक एक मिनट कि कहीं से सूचनाएं लाएं और आपको बताएं। हमारा वो जो फर्जी संघ महासंघ वालों की तरह हमारा प्रयास नहीं रहता है, हम सार्थक प्रयास करते हैं और अपने फैक्ट्स के दम पे जहां फाइल में कहीं पे कोई बिंदु उभर के आता है और ये लगता है कि इस बिंदु का निराकरण ज़रूरी है अन्यथा फाइल रुक जाए तो वहां हम पहुंचते हैं और जो भी विभागीय नियम हैं या उसके रिगार्डिंग माननीय कोर्ट की कोई डिसीजन है उनको पेश करके उन बिंदुओं को, उन बंदिशों को हटाने का प्रयास पिछले सप्ताह भी किया गया था, आपको ध्यान में है सभी मिशन साथियों की। और अब हमें नहीं लगता कि दोबारा ऐसे प्रश्न उभर करके आएंगे, यदि फिर भी कोई चुनौती बनेगी तो निपटेंगे, हालांकि संभावना उसकी नहीं है। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन होगी वो संबंधित, पिछली बार जिस प्रकार SLP वापसी का दौर भी लगभग 1.5 साल का अपना चला था और संबंधित उच्च लोगों ने उसकी फिर घोषणा की, उसी प्रकार ये घोषणा भी आपके सामने आएगी। जिलावार भी हमारे टीम मेंबर संबंधित मंत्री महोदय से, संबंधित जनप्रतिनिधियों से
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, संबंधित उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी इस मामले को मजबूती से हम लाए हैं पिछले 6 महीनों में, और किसी भी प्रकार का कोई प्रयास हमने चूका नहीं है। समय लगता है, विभागीय प्रक्रिया है अपनी, उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और वो पूरी नोटिंग बंद करके और अंतिम निष्कर्ष के तौर पे इसकी घोषणा हो जाएगी। हमें किसी भी प्रकार की इसमें चिंतातुर होने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा 18 के साथियों का कोर्ट ऑर्डर हो गया था, तुरंत ही उनके नियुक्ति आदेश हो गई, वो ऑपरेशन भी सदस्यता के लिए समाप्त हुआ। 2000 अभी जो करंट में जो वैकेंसी आए हैं सेकंड ग्रेड की, कल उसके रिगार्डिंग प्रश्न आए थे कि क्या 3 वर्षीय डिग्री, हम सीमावर्ती एरिया से आते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आप पूछते हो कि हरियाणा से ग्रेजुएट या सीमावर्ती स्टेटों से ग्रेजुएट तीनों वर्ष में कंपलसरी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जो भी उनके पास या पंजाबी सब्जेक्ट, क्या वो एलिजिबल होंगे? तो क्लियर कर देता हूँ कि निश्चित तौर पर वो एलिजिबल हैं। 3 साल आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे वो कंपलसरी तौर पे हो, चाहे वो ऑप्शनल तौर पे, इलेक्टिव तौर पे, ऑनर्स के रूप में, या फिर एडिशनल तौर पे, किसी भी तरीके से वो सब्जेक्ट आपने जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो 3 साल ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपके पास पढ़ा हुआ होना चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए। ये कंडीशन है, आप एलिजिबल हो। बार बार इस प्रश्न को लाने की कतई ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर व्यापक प्रयास किए जा चुके हैं और निष्कर्ष आपके सामने आ चुका है, फिर भी बार बार एक बात का पिष्ट पेशन करने से रिजल्ट नहीं बदलते हैं। इसके अलावा जो और प्रयास चल रहे हैं अलग अलग, जो उसके रिगार्डिंग भी आपके प्रश्न आए हैं, लेकिन उन प्रश्नों को यथासमय जो ही आपके मैसेज आते हैं जवाब दे दिया जाता है। पर्सनली तौर पर आपके मैसेज आते हैं, ऐसे गंभीर इशू नहीं है कि उसको इस मंच के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करें। कुछ एक्स सर्विस मैन के जो अभी वर्तमान में L1 की भर्ती चल रही है 2021, उसमें जो आर्मी एजुकेशन कोर के जो 6th मंथ का डिप्लोमा है एजुकेशन का, इक्वल टू BSTC और JBT, उसको मानने से मना किया है स्पेशल नोटिफिकेशन से। मैंने पहले भी किसी वीडियो में 2-3 महीने पहले बोला था कि ये सर्टिफिकेट अपने आप में वैलिड है और देश के भूतपूर्व सैनिकों के एक सम्मान के तौर पे ये आर्मी एजुकेशन कोर पंचमढ़ी का जो सेंटर है, पूरे शिद्दत के साथ, अदद शिद्दत के साथ ये कोर्स करवाया जाता है और अपने आप में वैलिड है। यदि फिर भी चुनौती आ रही है तो हमने तो आपको पहले भी बोला था कि चुनौती आ सकती है, क्योंकि ये अपने आप में एक नई नवेली संस्था, ये नोडल एजेंसी है, इसको पूरा इस मामले में शायद एक्सपीरियंस नहीं है, तभी इस प्रकार की बंधन या बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। तो आप एलिजिबल हो, यदि आपको फिर भी रोका जा रहा है तो आपको माननीय कोर्ट की शरण में जा करके अपने आप को उस एलिजिबिलिटी को सिद्ध करना चाहिए, अन्यथा देश के रखवालों के लिए, एक्स सर्विस मैन जो अपने पूरी सर्विस करके वापस आता है, साथ साथ स्टडी करता है, तो स्टडी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। सिलेबस सेम है आपका, जो 2 साल में स्टूडेंट पढ़ते हैं BSTC या JBT में, वही कंप्लीट सिलेबस है। इसके अलावा आर्मी रूलिंग में जब हम पूरा उसको अध्ययन करते हैं तो कहीं 1% भी आप उनसे कमतर नहीं हो जो स्टूडेंट 2 साल में डिप्लोमा को करके आते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग भी प्रकरण आपके चल रहे हैं इसी भर्ती में, उसमें भी आगे कानूनी प्रक्रिया जारी है और ऑलरेडी उसमें जवाब आ चुका है गवर्नमेंट का, तो आगे जो भी प्रक्रिया बढ़ेगी आप अपडेटेड होते रहोगे। नोशनल बेनिफिट के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न फाइट फॉर राइट की ओर से आए हैं, तो विद्वान साथियों वो प्रकरण चल रहा है, अब शायद 18 तारीख को लिस्टेड है, मीनाक्षी एंड आदर्श और किरण शर्मा एंड आदर्श जो भी मैटर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हियरिंग और होगी, उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग पे यानी दूसरी हियरिंग पे डिसीजन आ जाना चाहिए, उसमें भी समानांतर प्रयास जारी है। तो जो आपके लगातार प्रश्न आ रहे थे मुख्य तौर पे वंचित प्रकरण, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वंचित प्रकरण आप ज़्यादा, ये इतनी महत्वपूर्ण क्रूशियल स्टेज है कि हम जितना बोलेंगे उतना एक तरीके से खुद के लिए बाधाएं ज़्यादा उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार की ज़्यादा चर्चा का एक विषय नहीं है जैसा कि आप चाह रहे हो कि रेगुलर की अब डिक्लेरेशन बाकी है, हो जाएगा बाकी, वरना जितना आप ज़्यादा यहाँ पे बुलाओगे वो कॉपी पेस्टर ज़्यादा हैं और ज़्यादा दाएं बाएं घूमेंगे, आपको बांटेंगे, कोई कैटेगरी में बांटेगा कि इस कैटेगरी इतनी पोस्टें हैं, इसकी इतनी हैं, कोई सब्जेक्ट में बांटेगा, कोई TSP नॉन TSP में आपकी संगति को बांटेगा, वो आपकी यूनिटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप
हर चीज से अपडेटेड हो। आपका संघर्ष रंग लाएगा, आपके प्रयास आपको परिणाम तक पहुंचा रहे हैं, बहुत जल्द वो खुशखबरी आपके लिए आएगी, लेकिन वी आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर दैट टू डिक्लेयर दिस डिसीजन और टू फाइनलाइज दिस रिजल्ट। आपको पूरी तरीके से मिशन के प्रयासों के ऊपर यकीन रखना है, और जो प्रयास हद से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, और आपका जो प्रयास सोशल मीडिया पे है वो भी लाजवाब है। तो 4-5 साथी पिछले हफ्ते जयपुर में मेरे साथ थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि किस स्तर तक आपके प्रयास जारी हैं, और जो आप भी प्रयास कर रहे हो उसकी भी कहीं ना कहीं हाजिरी नज़र आती है फाइल के ऊपर। इसलिए आप उन सार्थक प्रयासों को जारी रखें, प्रयास करने का ये दौर है। रिजल्ट प्रयासों की परिणति के तौर पर आएगा, वो अपने आप आएगा। संबंधित एजेंसी, संबंधित लोग इसको जो देख रहे हैं प्रकरण को, वो डिक्लेयर करेंगे इसको। अपना काम प्रयास करना है, उस प्रयास में कोई कमी ना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान साथियों का कि रेगुलर तौर पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय वापस मिलने लगा है, तो आपको अपडेट करवाते रहेंगे हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते, क्योंकि अपना कोई औरों की तरह मोनेटाइज ये चैनल नहीं है, औरों की तरह